हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी। बहुत आसान तरीके से खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आइए चलते देखेंगे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें मटर पनीर बनाने के लिए। एक कटोरी मैंने हरी मटर ली है जो छील लिया है, 4 से 5 टमाटर जो मैंने काट लिए हैं, एक कटोरी मलाई, लहसुन अदरक का पेस्ट जो पीस लिया है, पनीर आधा किलो इसे काट लिया है मैंने, एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में ऑयल लगा दिए। ऑयल यहाँ पर आपने पसंद अनुसार जो आप खाते हैं वो ले सकते हैं। इसे सुनहरा होने तक हमें भूनना है सारे पनीर को। सारा पनीर अच्छे से ब्राउन हो गया है, इसे हम सारा निकाल लेंगे। सारा पनीर निकालिए, ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, ऑयल ही निकाल लेंगे थोड़ा सा। इसे में लगाएंगे जीरा तड़का, ऑयल निकाल लिया है। एक चम्मच जीरा तड़का, थोड़े से खड़े मसाले, काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने से तड़का बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में। इसे ज़रूर ट्राई करें तेज पत्ता को, इससे सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे अच्छे से भूनेंगे थोड़ा सा। हल्दी 2 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। दो चम्मच नमक, नमक अपने अनुसार जिस हिसाब से आप पसंद करते हैं उस हिसाब से नमक को डालें इसमें। इसे अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे इससे मसाला अच्छे से भुन जाए। मसाला अच्छे से भुन गया है, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, हरी मटर डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे इसे। टमाटर डालेंगे, इसे 2 से 3 मिनट तक लिए अच्छे से भूनेंगे हम टमाटर को, जब तक ये टमाटर गल ना जाए। इसे भूनने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। जो हमने तेज पत्ते डाले इसे सब्जी बनने के बाद इसे आप निकाल दें। इसे डालने से सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है, अक्सर हलवाई इसे ज़रूर सब्जी में डालते हैं। मटर टमाटर भुने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट। इसे अच्छे से टमाटर भुन जाएंगे, फिर हम इसमें मलाई बची है वो डालेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर हल्के हल्के भुन गए हैं। अब हम 1 कटोरी जो हमने मलाई बचाई है वो डालेंगे इसमें। इसे अच्छे से मिलाना है, इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मलाई अच्छे से मिल गई है। अब हम डालेंगे इसमें पनीर, पनीर को अच्छे से मिलाएंगे। पनीर को अच्छे से मिला दिया है, इसमें डालेंगे हम पानी। पानी अपने हिसाब से ग्रेवी गाढ़ी या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप ग्रेवी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप पानी लगाएं। इसे 4 से 5 मिनट तक हमें पकाना है। चार से पाँच मिनट हो गए, आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ गया है सब्जी में। जबकि गर्मा गर्म
मटर पनीर की सब्जी बन के रेडी है। थोड़ा धनिया डालेंगे इसमें, आप देख सकते हैं मटर पनीर बन के रेडी है। इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं मटर पनीर की सब्ज़ी, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। है आइए चलते हैं परोसेंगे। एकदम लाजवाब मटर पनीर की सब्जी बन के रेडी है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे आप चावल, रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के साथ खाएं, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें मटर पनीर की सब्ज़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।